हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू पनीर टिक्की की रेसिपी, जो कि नवरात्रि के फास्ट के दिन आपको बहुत ही काम आने वाली है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बन जाती है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको एनर्जी भी देगा ये। तो सबसे पहले मैंने बॉईल किए हुए आलू को ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जितना मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है, 1/2 नींबू का रस मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर, उसके साथ मैंने ले लिया है 1/2 कप पनीर जो कि ग्रेटेड है, उसके बाद 1 टीस्पून जितना पुदीने का पाउडर ले लिया है। सभी चीज़ों को मैश करते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इसमें मैश्ड और ग्रेटेड आलू भी डाल सकते हो, तो प्रोसेस जो है वो आपका इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ मिक्स करना होगा। अच्छी तरीके से मिक्सचर मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए छोटी छोटी, और आपको जो भी शेप पसंद हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद तवे को गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, उस पर आपको टिक्की रख देनी है। एकदम कम तेल में आपको इसे पका लेना है, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कम तेल यूज़ करने का रीज़न ये है कि ये जो टिक्कियाँ हैं उसमें कोई बाइंडिंग इन्ग्रीडियंट नहीं है, और आप ज़्यादा ऑयल रखोगे तो वो छूट जाएगी, इसीलिए इसको कम तेल में पकाना है। इसे सर्व करिए व्रत वाली हरी चटनी के साथ, ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।